पन्ना में आज जिले के सभी फार्मासिस्टों ने मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीईबी के द्वारा जारी विज्ञप्ति में केवल 67 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है, जबकि प्रदेश में कुल मिलाकर 12,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष ताम्रकार ने पूरी जानकारी देते हुए पुलिस वाला न्यूज से बात करके अपनी मांगे बताई। जिले के सभी फार्मासिस्ट यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या आपकी समस्या है और किस चीज के लिए आप आवेदन देने आए हैं? मैं मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जिले का अध्यक्ष अभिलाष ताम्रकार बोल रहा हूँ। जिले में फार्मासिस्ट बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है और पूरे मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट की जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने केवल 60 पोस्टें निकाली, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 12,000 फार्मासिस्टों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन से सभी जिले में, प्रत्येक जिले में फार्मासिस्टों द्वारा कलेक्टर के नाम पे, मुख्यमंत्री के नाम पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, तो उसी बाबत में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जो पन्ना जिला है, पन्ना जिले में फार्मासिस्ट बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है जबकि पोस्टें बहुत कम है, ऐसे में क्या होगा हम लोगों का? और अगर प्रशासन हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे, और इसलिए प्रशासन से अपेक्षाएं करते हैं कि पोस्टों को बढ़ाया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। तो अभी प्रशासन ने आपसे क्या कहा है कि क्या कार्रवाई इस पे होगी? प्रशासन ने अभी उस दिया है, संतुष्टि दी है कि इसमें हम मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड करेंगे और आगे जो कार्रवाई होगी वो बताई जाएगी। बाकी उनने हमें वो दिया है सांत्वना, आश्वासन दिया है कि पोस्टें बढ़ाई जाएंगी। देखते हैं, अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर हम लोग मजबूर होकर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा।